आपका बच्चा आपके लिए आफत थोड़े है। जो आप उसे अपने पास रख रहे थे तो सारे प्यार कर रहे थे, बर्थडे मना रहे थे, सेलिब्रेशन कर रहे थे, उसको घुमाने लेके जाते, सब कुछ करते थे। पर अब कुछ नहीं है, अब वो पत्नी के पास है। और इस सूरत में आप कहीं ऐसे हालात तो पैदा नहीं कर रहे कि पत्नी को बच्चा होने से ही मेंटेनेंस मिल रहा हो, या फिर आप एक क्रूर पिता साबित हो रहे हो और क्रूर पिता की वजह से आपकी छवि एक क्रूर पति की भी बन रही हो। और अगर ऐसा है तो फिर आप इस छवि से बाहर कैसे आए? आपकी सोच तो ऐसी नहीं है, पर आपकी ऐसी सोच बनाई और दिखाई जा रही है। आपको इस समस्या का निजात आज इस वीडियो में मिलेगा। इसीलिए दोस्तों हमेशा कोशिश करते हैं कि आप एजुकेटेड हो जाइए। इसके लिए हम कोर्सेज चलाते हैं, हम एक ऐसा मिशन चला रहे हैं झूठे केसेस के खिलाफ, जिससे कि लोग मजबूती से अपने केसेस में लड़ सकें और इन कोर्सेज के थ्रू अपने केसेस के अंदर बेहतरीन जजमेंट्स, गाइडलाइंस, एक्ट्स, सेक्शन और भी न जाने क्या क्या लीगल रेमेडीज लेकर, जैसी सिचुएशन हो उसी हालात के अनुसार जाकर अपने केस के अंदर अप्लाई कर सकें। आप अगर इस वक्त इस कोर्स को ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो बता दूं, आपसे पहले जितने भी लोगों ने इन कोर्सेज को ज्वाइन किया है बहुत कॉन्फिडेंट है, स्ट्रांग है, और हमारी टीम को भी अब उन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। और अब जो अनुभव उन्होंने अपने केसेस में प्राप्त किए हैं उनको हमारे साथ और बड़ा करने में, विस्तार करने में लगे हुए हैं। आप भी अगर इन कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। आप अगर इस वक्त किसी कानूनी समस्या में समाधान चाहते हैं तो फिर इस व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल लीजिए और ज्वाइन कर डालिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ, लीगल ईगल इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एक बात क्लियर है, बच्चा आपके लिए जरूरी हो या ना हो, कोर्ट की नजर में यह छवि आप खुद बनाते हैं कि मेरे लिए बच्चा जरूरी नहीं है, इसलिए मेरी बीवी के पास अगर वो है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, रहे वो उठाए उसका खर्चा। यही गलती कर रहे हैं। जब आप उसको पाने के लिए अपनी गार्जियनशिप भी एक्टिव कराते हैं, मैंने देखा है 80% चाइल्ड कस्टडी के केसेस में हस्बैंड्स यानी कि जो पिता हैं बच्चों के, वो कभी भी अपने बच्चे को खर्चा नहीं दे रहे होते। वो अलग बात है कि वो खर्चा या तो कोर्ट को ही डायरेक्ट दीजिए या मनी ऑर्डर से भेजिए, सिर्फ दो वजह से, कि बच्चे के नाम का आपके पास अकाउंट हो ये जरूरी नहीं है, और है तो फिर आप बच्चे के नाम का अकाउंट में ही पैसे डालें, नहीं है तो खुद खुलवा दें और कोर्ट को प्रेजेंट कर दें कि साहब ये एटीएम कार्ड है, मैं बच्चे के नाम से इसमें पैसा शुरू से पहले दिन से डालना चाहता हूं और मुझे बच्चे की फिक्र है कि कहीं उसका फ्यूचर खराब ना हो जाए, अगर स्कूल में पढ़ रहा है तब भी, और अगर वो बहुत छोटा है, दूध मुहा बच्चा है, तो उसके खर्चे चलते रहने चाहिए। मेरी बीवी भी वक्त जरूरत बिल पेश करके सुन लीजिए, वापस लिख के देना है आपको, बिल पेश करके मुझसे वो खर्चे ले सकती है जो बच्चे के नाम से कर रही है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। एक अच्छी छवि बन गई। पत्नियों को सिंपैथी हमेशा मेंटेनेंस में बच्चे की वजह से मिलती है कि अगर ये बच्चे को मेंटेन नहीं कर रहा तो क्या बीवी को मेंटेन किया होगा, उसको भी निग्लेक्ट किया होगा, उसको भी रिफ्यूज किया होगा। जब कोर्ट में आने के बाद भी ये दर्द नहीं समझ रहा है कि बच्चा उसकी जिम्मेदारी है। अब यहां एक गेम और होता है, अक्सर बीवियां शुरुआत में ही मेंटेनेंस केस को इस तरफ नहीं जाने देती और उनके वकील साहब जो झूठे केस लगाने में बड़ा सहयोग देते हैं वो भी इस मैटर को घुमाने की कोशिश करते हैं, नहीं नहीं मेंटेनेंस मत लो, मेंटेनेंस लेने से क्या होता है कि ये नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा, अभी हम मोटा पैसा लेंगे। तब ऐसी सूरत में आपको फायदा ही मिलता है कि पत्नी आपके द्वारा दिए गए सारे ऑफर्स रिजेक्ट करने लगती है, तो फिर आपको फायदा ज्यादा मिलता है। इस फायदे का फायदा यह होता है कि एक तो आपकी चाइल्ड कस्टडी का मैटर ना सही पर विस्टेशन के राइट स्ट्रांग हो गए, आप कोर्ट को बकायदा ये नोटिस दे सकते हैं। देखिए, ट्रायल कोर्ट्स के बारे में मैं कोई गारंटी नहीं लूंगा, फैमिली कोर्ट्स के बारे में मैं कोई गारंटी नहीं लूंगा, वहां क्या होता है ये आप सब जानते हैं। तो उस सूरत में आप ये मान के चलिए कि इस एप्लीकेशन से आपको हाई कोर्ट तक लड़ना है, और ये बहुत आसान है। आपको वहां पर एक एप्लीकेशन देनी है कि साहब अब ये मेरे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जो महिला यहां दोगलापन कर रही है, कि एक तरफ कह रही है कि हाँ मुझे मेंटेनेंस चाहिए मेरे और मेरे बच्चे के लिए, और मैं शुरू से ही मेरे बच्चे का मेंटेनेंस पहले दिन पहली तारीख से देने को तैयार हूं, चाहे मेंटेनेंस का केस लगा या ना लगा हो, और ये लेने से इनकार करती है, दैट मीन्स कि इसको मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, ये हैरेसमेंट कर रही है। तो ऐसी महिला के षड्यंत्र वाले दिमाग से मुझे ये समझना जरूरी है कि मेरा बच्चा एक बेहतरीन एनवायरनमेंट में है, उसके आसपास एक अच्छा एनवायरनमेंट है, अगर नहीं है
तो फिर मेरे लिए जानना ज़रूरी है। आप मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी दिलाने के हिसाब से ज़रूर ज़रूर मुझे देखने दीजिए कि मेरा बच्चा क्या करता है, और ये मैं ही पर्सनल वॉच करके कोर्ट को रिपोर्ट देना चाहता हूँ। कोर्ट अक्सर फैमिली कोर्ट्स इन मैटर्स में एक बड़ा अखड़ सा रवैया अपनाती हैं और कहती हैं नहीं ऐसा संभव नहीं, आगे चली जाइए, रिजेक्शन होते आगे चली जाइए। हाई कोर्ट्स इन बातों को सीरियसली लेती है क्योंकि अल्टीमेटली आपकी गार्जियनशिप मेंटेनेबल है और उसको कोई भी कोर्ट डिनाई नहीं कर सकती। आप सीधा कोर्ट से कह सकते हैं आप कौन हैं मेरे और मेरे बच्चे के बीच में बोलने वाले। जी हाँ, आपके कानों में अगर ये बात घुसी है अभी अभी और आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो दोबारा दोहरा देता हूँ, कोर्ट आपके और आपके बीच में जो बच्चा है, आपके और आपके बच्चे के बीच में कभी इंटरफेयर नहीं कर सकती चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपने डिमांड की है विजिटेशन की, खास तौर से एक सीरियस संदर्भ में कि मुझे अब टेंशन हो रही है कि मेरी पत्नी को मैं खर्चा शुरू से देना चाहता हूँ बच्चे के लिए मगर मेरी पत्नी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो मेरा बच्चा सही से मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या उसके आसपास इस तरह का माहौल तो नहीं है कि वो असुरक्षित है, मुझे देखना है। ऐसी सूरत में एक गार्जियन को कोर्ट इस ग्राउंड पर नहीं रोक सकती। ये ज़रूर है कोर्ट कई बार ये ज़रूर कह के पल्ला झाड़ती कि माँ के पास है तो सुरक्षित है, तो भी क्या दिक्कत है, फादर ही तो मिलना चाह रहा है, कोई आतंकवादी तो नहीं जा रहा, कोई क्रिमिनल तो नहीं जा रहा, और क्रिमिनल भी जेलों में अपने बच्चों से मिलने बुला लेते हैं अपनी पत्नी और बच्चों को, तो फिर यहाँ पर भी तो कोर्ट उस टाइम उनको मजबूती से सपोर्ट करती है कि नहीं परिवार बना रहना चाहिए। यहाँ तक कि बच्चे भी कोर्ट में पैदा करने के राइट्स दिए जाते हैं, कई बार पत्नियों के साथ संसार का वक्त दिया जाता है पतियों को जिससे कि बच्चा पैदा कर सकें। तो फिर ऐसी क्या समस्या है कि एक आम शहरी आम नागरिक को अपने बच्चे से नहीं मिलने दिया जाएगा। तो इस पर ज़्यादा जोर दीजिए, मेंटेनेंस देने के साथ साथ आपका एक तरीके से चाइल्ड कस्टडी ना सॉल्व हो पर एटलीस्ट बच्चे से मिलने के अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं। आप इस वक्त अपने बच्चे के मैटर में इस वीडियो से क्या फ़ायदा ले सकते हैं, लेने वाले हैं, ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।